हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 3 के तहत में। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 3 में अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। अगर कंपनी जो है लॉफुल पर्पस के लिए मेकिंग की जाती है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के तहत डिफाइन की जाएगी। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनी का जो पर्पस है वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल पर्पस के लिए तीन तरह की कंपनी हम लोग मेकिंग करते हैं। पहली पब्लिक कंपनी, दूसरी आपकी प्राइवेट कंपनीज जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के तहत में है, और थर्ड है हमारी वन पर्सन कंपनी जो कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के तहत पर डिफाइन की गई है। पब्लिक कंपनी के लिए 7 और मोर पर्सन की ज़रूरत होती है। प्राइवेट कंपनी के को फॉर्म करने के लिए 2 और 2 से ज़्यादा बंदों की ज़रूरत होती है, और वन पर्सन कंपनी को फॉर्म करने के लिए 1 पर्सन की ज़रूरत होती है। इसके अतिरिक्त हमारी सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए और बी और सी के तहत भी कुछ कंपनी बनाई जा सकती हैं। जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के तहत में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के तहत, और अनलिमिटेड कंपनी सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी के तहत लोग बनाते हैं। इसके अतिरिक्त अब हम एक एक करके सभी कंपनी को डिस्कस करेंगे। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में डिफाइन की गई है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं हो और जिसकी मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है जिसकी मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल जो है एज पर प्रेस्क्राइब बाय दी आर्टिकल्स, हैविंग मिनिमम पीरियड शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द आर्टिकल, जिसको सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में डिफाइन किया गया। अ पब्लिक कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर पर्सन बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स और हिज नेम टू अ मेमोरेंडम एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। यानी कि पब्लिक कंपनी को की जो डेफिनेशन है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के तहत में है कि पब्लिक कंपनी का जो पर्पस है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल पर्पस होना चाहिए, 7 या 7 से ज़्यादा बंदे सब्सक्राइब कर सकते हैं देयर नेम मेमोरेंडम के अंतर्गत। मेमोरेंडम में 7 या 7 से ज़्यादा बंदे सब्सक्राइब करेंगे और कंपनी को लॉफुल पर्पस के रजिस्टर करा सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत में। इसके अतिरिक्त हमारी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के तहत प्राइवेट कंपनी सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के तहत प्राइवेट कंपनी बनाते हैं जिसमें मिनिमम पीरियड ऑफ शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द आर्टिकल। मिनिमम पीरियड ऑफ शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द आर्टिकल। प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए दो रिस्ट्रिक्शंस और एक प्रोहिबिशंस है, दो रिस्ट्रिक्शंस एंड एक वन प्रोहिबिशन है। रिस्ट्रिक्शंस है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की, रिस्ट्रिक्शंस है हमारी एक तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की और दूसरा मैक्सिमम 200 मेंबर्स, मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स। जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, कर सकते हैं इसके मेंबर जो है क्या नाम है उसके प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन को अगर पूरा कर दिया जाए तो शेयर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर वो बोर्ड का अप्रूवल ले लें या फिर वो बोर्ड का अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी हमारी रिस्ट्रिक्शंस है मैक्सिमम 200 मेंबर्स की, मैक्सिमम 200 मेंबर्स के जिसमें एक्सक्लूड किया गया है प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय को, प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय को एक्सक्लूड किया गया है। इसके अतिरिक्त एक प्रोहिबिशन है पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स के लिए, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स प्राइवेट कंपनी कभी पब्लिक इशू नहीं लाएगी शेयर्स का। अब इसके कुछ फीचर्स को हम लोग प्राइवेट कंपनी कुछ फीचर्स बनते हैं जो कि एट ए ग्लांस में हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा फीचर प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में डिफाइन किया गया है। नो मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें कोई मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल कुछ नहीं होती। मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर। जॉइंट मेंबर को हम एज ए वन की तरह ट्रीट करते हैं। एम्प्लॉय को एक्सक्लूड किया गया है। नो पब्लिक इशू प्राइवेट कंपनी में तो क्या नाम है प्रोहिबिशन है, पब्लिक इशू नहीं ला सकती है। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और प्राइवेट वर्ड एडिटर, प्राइवेट वर्ड
एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेक्शन 8 के तहत डिफाइन की गई है, वो वहाँ पर प्राइवेट पार्ट को प्रोहिबिटेड है। उसका डिबेंचर होल्डर की कोई लिमिट नहीं होती विदाउट पब्लिक ऑफर के। डिबेंचर होल्डर होल्डर की नो लिमिट कितने भी बन सकते हैं, लेकिन पब्लिक ऑफर नहीं होना चाहिए। और रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये सब हमारी इसके फीचर्स थे प्राइवेट कंपनी के। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 268 में नो मिनिमम पीरियड ऑफ शेयर का, मिनिमम दो, मैक्सिमम 200 मेंबर, जॉइंट मेंबर को वन माना जाएगा, एम्प्लॉय एक्सक्लूडेड किए गए हैं, क्या नाम है, पब्लिक इशू नहीं लेके आ सकती, मिनिमम टू डायरेक्टर। प्राइवेट वर्ड को एडिट किया गया, लेकिन लेकिन प्रोड्यूसर कंपनी और वन पर्सन कंपनी में प्राइवेट वर्ड को एडिट नहीं कर सकते। डिबेंचर होल्डर की नो लिमिट रहेगी, डिबेंचर होल्डर नो लिमिट विदाउट पब्लिक ऑफर के, और रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब इसके अतिरिक्त तीसरे नंबर की कंपनी होती है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद अ मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल, मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ रुपी 1 लाख, ठीक है। कम से कम 1 लाख की मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल से हम ओपीसी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एटलीस्ट वन मेंबर, कम से कम एक मेंबर का होना जरूरी है, और द मेंबर कैन बी अ सोल मेंबर एंड डायरेक्टर। और जो वो मेंबर होगा वो सोल मेंबर भी, सोल मेंबर या डायरेक्टर होगा कंपनी का, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो कंपनी एक्ट 2013 में, ये ओपीसी को हम लोग 2013 में ही ओपीसी आया है, तो इसमें आईएनसी, कुछ आईएनसी फॉर्म भरवाए गए हैं जिसमें 2, 3, 4 और 5 को। तो आईएनसी 2 जो है हमारा, बेसिकली आईएनसी 2 जो है इनकॉर्पोरेशन एंड नॉमिनेशंस के लिए बनाया गया था। आईएनसी 3 जो है कंसेंट ऑफ नॉमिनी, कंसेंट ऑफ नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी, ठीक है। नॉमिनी जो है उसी कंसेंट के लिए बनाया गया, आईएनसी 3 फाइल करा जाएगा। फिर आईएनसी 4 चेंज इन मेंबर और नॉमिनी, अगर आपको मेंबर को चेंज करना है या फिर उसके नॉमिनी को चेंज करना है तो आईएनसी को 4 को उसका कहते हैं भरा जाएगा वन पर्सन कंपनी के तहत। और आईएनसी 5 अगर इंटीमेशन ऑफ एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ वन पर्सन कंपनी, आपको अगर वन पर्सन कंपनी की लिमिट को बढ़ाना है तो आईएनसी 5 के तहत हम जो है फाइल करेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में हमारी कुछ और अदर कंपनीज भी डिफाइन की गई हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के तहत कुछ और अदर कंपनी डिफाइन की गई है, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है। फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में डिफाइन किया गया है। और फिर अनलिमिटेड कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में डिफाइन किया गया है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 के तहत में, सेक्शन 2 क्लॉज 21 के तहत में द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ अ गारंटी कंपनी इज लिमिटेड अप टू द स्टिपुलेट सम तक, मतलब एक पर्टिकुलर सम जो कि मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में लिखी होगी, मेमोरेंडम में डिफाइन की गई होगी, मेंशन होगी इन द मेमोरेंडम में, उस तक जो कंपनी के मेंबर्स होंगे उनकी गारंटी रहेगी। और मेंबर कैन नॉट कॉल कंट्रीब्यूट बियॉन्ड दैट स्टिपुलेट, और मेंबर से ये नहीं कहा जा सकता कि वो इस स्टिपुलेट सम से ज़्यादा उसका कहते हैं पैसा डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। फिर आती है दूसरे नंबर पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के तहत सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में डिफाइन किया गया, द शेयर होल्डर मे कॉल अपॉन द कंट्रीब्यूट ओनली, द शेयर होल्डर मे कॉल अपॉन टू कंट्रीब्यूट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट विच रिमेन अनपेड ऑन हिज शेयर होल्डिंग, हिज सेपरेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एनकम्पास टू मीट द कंपनी डेब्ट। यानी कि वो जितने रुपए की शेयर्स की रिमेन अनपेड है उस अमाउंट तक के लिए वो लायबल रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने 100 रुपए के शेयर में 80 रुपीज़ की डिमांड कर चुके तो 20 रुपीज़ तक की उनकी लायबिलिटी रहेगी, उनकी प्राइवेट सेपरेट प्रॉपर्टी को अटेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी के तहत, अनलिमिटेड कंपनी जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में डिफाइन की गई है, अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, मेंबर की लायबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है, इन सच अ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर सीज व्हेन ही सीज टू बी अ मेंबर, जब उसके वो मेंबर उसकी सीज हो जाता है, ठीक है। ये आज हमने सेक्शन 3 को ढंग से पढ़ा। सेक्शन 3 के तहत में हमने तीन तरीके की कंपनी को डिस्कस किया, एक वन पर्सन, एक पब्लिक कंपनी जो हमारी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के तहत में, प्राइवेट कंपनी जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के तहत में, और वन पर्सन कंपनी जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के तहत में। इसके तहत हमने तीन कंपनियां और पढ़ी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के तहत में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के तहत में, और
जो है तीसरी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी के तहत जो हमने डिस्कस करी। थैंक यू।